side karna, but I'm sure this is going to be another media. You could have recorded, no, same thing. How much are you excited to see the play? How much am I excited? I am very excited. Usually मैं plays नहीं देखती, but हाँ, नीत जी ने खास बुलाया है इस मौके पर, और जहाँ तक कि मैंने सुना है कि ये प्ले बहुत चला है पहले. टीवी मुझे परमिशन देता नहीं है, टाइम नहीं देता कि मैं प्लेस जाके देखूं, बट आज मौका मिल गया है. मेरी शूटिंग्स ख़त्म हो गई हैं, सब खत्म हो चुका है. सो आई एम हियर वॉचिंग दिस प्ले एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ. अभी तक तो जैसे आप सब लोगों को पता था कि मैं चंद्रकांता में बिजी थी, बट अभी मैं बिजी नहीं हूँ. चंद्रकांता इज ओवर, नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर थिंग्स. आपने कभी थिएटर का अनुभव? बचपन में ऑफ कोर्स आई डन थिएटर, आई डन थिएटर विद एजुल ग्रुप, बट वो बचपन की बात है. कभी नर्वस हुए? याद है आपको कि थिएटर में जब पर्दे खुलते हैं, जो लाइव ऑडियंस होती है उनके सामने एक्ट करना? बचपन की बात है, लेकिन उसके बाद में हमने इतने सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं, तो नर्वसनेस आई थिंक, आई पर्सनली फील एज अ परफॉर्मर एवरीबडी इज़ नर्वस एट सम पॉइंट. वो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, बट देन वंस यू आर ऑन स्टेज इट्स ऑल योर्स. थैंक यू. रावण. रावण. ओके, कोई पास हो जाए. आई थिंक मेरी इमेज ऐसी है, मेरी छवि ऐसे छाई हुई है हर जगह पे, जहाँ के ओ शी इज़ वेरी नेगेटिव, एकदम लाइक यू नो, या लाइक मैं कैटेगराइज नहीं करूँगी एक पे, बट नॉर्मली आई थिंक मेरा चेहरा ऐसा है कि लोगों को इसमें से सिर्फ बुराई नजर आती है. बट रावण वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, वी हैव टू गिव इट टू. No, there's so many different characters. KK was one. She was supposed to be very beautiful, very intelligent, very manipulative. You know, she was the key behind everything. That could be the one. मुझे नहीं लगता, मैं चाहूँ भी तो शायद कोई नहीं है वो इमेजिन करेगा मेरे बारे में, so it's fine. From your point of view, who is a Ram in a TV and who is a Ravan? Oh, I don't know. You're asking a very wrong question. I don't know many names of television today, the new ones, but I believe everybody is very good. Main thodi si, I've never been very media friendly. I shy away from a lot of things. Yeah. So I choose to not know names. Who is the Ram? Who is the Ram? Forget about Ravan. Who is the Ram? Abhi Ram. In a nature, in a behavior. इन डू आई नो, लाइक नहीं नहीं ऐसे मत अटकाओ मुझे. एक नाम थोड़ी ना मैं लूँगी, एक के नाम लूँगी, सारे बाकी के जितने भी लीड रोल्स कर रहे हैं वो मुझे मारेंगे बैठ के. नो 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 नो, आई डोंट नो नेम्स ओनली, दैट्स माय प्रॉब्लम. गुड फन टू वॉच, जोड़ी बना के जा रहे हैं और ज़्यादा धमाकेदार होगा मेरे हिसाब से. पहले तो हम सोल वॉरियर्स होते थे, अब एक साथ दो दो, वेरी गुड, द मोर द मेरियर. चलो भाई, एक्चुअली वैसे मेरा एक ड्रीम था कि मैं महाभारत हम देखते थे ना शुरू में, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ,
और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मतलब एज ए दुर्योधन का, और आज एक प्ले करने को मिल रहा है जहाँ पे हम पुलिस सर एज ए रावण का प्ले कर रहे हैं। सो मतलब मेरे लिए तो बहुत अचीवमेंट की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं इनका लाइव परफॉर्म देख रहा हूँ पहली बार, वो भी ऐसे इंसान का जिसको हमने एक बड़े पर्दे पर देखा है। मतलब मेरा बचपन स्टार्ट हुआ था उनसे शुरू हुआ था, तो मुझे इतने से वो जानते भी हैं, वैसे भी पर्सनली भी जानते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं आज इनको एज ए प्ले देख रहा हूँ, पहला प्ले देख रहा हूँ जिसमें वो रावण का प्ले कर रहा हूँ। दुर्योधन का प्ले करूँगा मैं डेफिनेटली। एक तो उसमें करने को बहुत कुछ है, नेगेटिव है बॉडी है, तो मैं वैसा हूँ थोड़ा सा ना। और मुझे जब महाभारत बन भी रही थी मुझे उसका ऑफर भी आता, तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि भाई जो प्ले पुलिस सर कर चुके हैं तो मैं वो प्ले नहीं कर सकता हूँ, कर पाऊँगा तो मुझे कुछ और मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। एक और सवाल, हाँ एक सवाल अलग से पूछ रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं इस रावण प्ले के लिए पुनीत इस्सर को बधाई देना चाहता हूँ कि इज़ डूइंग सच ए फैंटास्टिक जॉब। एंड पुनीत वैसे भी बहुत अच्छा एक्टर है, उसने मेरे साथ महाभारत में दुर्योधन किया था, आई प्ले द द्रोण, और इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन, और इस प्ले ने दिल्ली में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बॉम्बे में भी इसने कई शोज़ किए हैं। मुझे तो पहली बार आने का ये मौका मिला है, एंड इज़ अ वेरी गुड एक्टर, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक सवाल पूछना चाहूँगा, पहले कभी आपने कोकोनट थिएटर का कोई प्ले देखा, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? लास्ट ईयर जो शो था मैं उसके लिए आई थी, एंड आई थिंक इट वाज टू हिलेरियस। मैं अनफॉर्चुनेटली हाफ देख पाई थी जिस दिन सर बोल सर क्या कहना चाहेंगे आज के प्ले के बारे में, कितने एक्साइटेड हो पुनीत सर के बारे में? क्या आई थिंक दिखाई दे रहा है, आई थिंक इफ एनीबडी कैन प्ले दीज कैरेक्टर्स इट इज पुनिया ओनली। विश हिम द वेरी बेस्ट ऑलवेज। आज आई थिंक बड़ा दिन है उसके लिए, और आई थिंक इवन फ्रॉम अ प्ले परस्पेक्टिव सभी के लिए, तो विश हिम द वेरी बेस्ट। आपने कभी थिएटर किया आपके? नहीं नहीं, मैंने कभी थिएटर किया नहीं, मैं इंजॉय करता हूँ थिएटर, घबराहट होती है मुझे थिएटर से तो दूर ही रहता हूँ, लेकिन ऑफकोर्स वॉच करने मज़ा आता है और अच्छे एक्टरों को देखना और भी ज़्यादा बढ़िया। सुनील सर, अगर रामायण की बात करिए, अगर आपको अगर किसी का अगर कैरेक्टर प्ले करना हो तो आप किसका कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे? कहाँ पर आप बोल रहे हो? रामायण में अगर बात करिए तो आप किसका कैरेक्टर है जो आप प्ले करना चाहेंगे? आई थिंक रावण, एक्सट्रीमली पावरफुल, शेड्स बहुत सारे, और उसमें मज़ा ज़्यादा, आई फील फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सारे राम हैं, सारे हीरोज़ राम ही हैं, प्रोजेक्ट अपने आप को राम की तरह ही करना चाहते हैं, ऑफकोर्स मोस्ट लवेबल, मोस्ट वर्शिप एंड अ परफेक्ट जेंटलमैन, तो ऑफकोर्स बहुत सारे हैं, सारे लोग हैं जो राम प्ले कर सकते हैं। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दिस प्ले एंड एक्साइटेड अबाउट द प्ले। संजू की टीजर एक्स्ट्रॉर्डनरी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स प्लेइंग संजय दत्त, और
इट्स अनबिलीवेबल हाउ सिमिलर ही लुक्स ही इज परफॉर्म. रणबीर के बारे में सभी जानते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टर है. एंड राजू हिरानी, विनोद चोपड़ा के स्कूल से स्टेबल से ये फिल्म संजय दत्त के बारे में आई थिंक अल्टीमेट लुकिंग फॉरवर्ड. सर एक सवाल और, हाँ जी, हाँ जी, लेफ्ट टू राइट. क्योंकि मैं खुद थिएटर करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है आज की एक ऐसा प्ले देखने को मिल रहा है जहाँ राम के नज़रिए से नहीं रावण के नज़रिए से हमें रामायण देखने को मिलेगा. और एक ज़रिया ही अलग होता है जहाँ तुम स्टेज पर एक ऐसी कथा देखने वाले हो जो बचपन से एक अलग तरीके से तुम्हें सुनाई गई है. सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड पुनीत सर इज़ अ फैबुलस एक्टर, वेरी सीनियर. एंड आई थिंक रावण का जो किरदार वो कोई निभा सकता है इस वजूद के साथ और इस स्ट्रेंथ के साथ, वो पुनीत सर ही निभा सकता है. अपने थिएटर के नाम याद आता है पहला जब थिएटर आप कर रही थी, जब नर्मस मैं अभी करती हूँ, अभी भी करती हूँ, अभी ही करती हूँ. पहला जब थिएटर शुरू था नर्मस. देखिए मैं तो स्पोर्ट्स कर रही हूँ बचपन से और मैं अभी उमराव जान करती हूँ. आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, स्टिल आई एम डूइंग. अभी अगले महीने ही शो है. बट आई थिंक जब तुमको कैमरा बचपन से ही मैंने फेस किया है तो आई हैव नेवर बीन नर्वस. बट या क्योंकि मैं उमराव जान करती हूँ जिसे रेखा जी और ऐश्वर्या राय जी ने किया हुआ है, सो लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना. जबकि माध्यम ही अलग है तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. बट आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं नर्वसनेस हो जाती है क्योंकि ये किरदार ही इतना इम्पोर्टेंट है और एवरीबडी लुक्स अप टू उमराव जान. Yes, I have a production house. Oh, yeah, got a national award and as a producer last year. So, what do you want to say? Do you think you should have an award? Do you think you should have a production picture? What do you want to say? Well, मैं बिहार से आती हूँ और बहुत कम वहाँ पे फिल्में होती हैं जो नेशनल अवार्ड या किसी अवार्ड से सम्मानित की जाती हैं. आई हैव माई ब्रदर नितिन चंद्रा जिन्होंने जिसे नेशनल अवार्ड मिला एज अ डायरेक्टर. सो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की भाषाओं में ऐसी फिल्में बनाएं जो हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी लोग देखें और अच्छी फिल्में बने जो लोग कनेक्ट करें. एंड हम लोग बिहार का पहला नेशनल अवार्ड लेकर आए हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. I think that's history. There's nothing to talk about. Thank you so much. Good luck. मैं नीतू चंद्र और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो 4 पर. आप सबको क्या बोल आपका नाम बोल रहा है ऑल द लिसनर्स ऑफ ये रेडियो.